एक उज्जवल गर्मी का दिन था जब माँ ने बुलाया, बच्चों तैयार होने का समय हो गया, हमें आंटी कैरिन के यहाँ चाय पे जाना है। आंटी कैरिन का इस परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और जेजी और जायरा को उनके यहाँ जाना बहुत पसंद था। ये मुझे तो सबर ही नहीं हो रहा, आंटी तो बहुत मजेदार हैं और मुझे उनका सुंदर और बड़ा घर बहुत पसंद है, जायरा ने खुशी से कहा। मुझे भी, जेजी बोला। बच्चों मुझे पता है कि तुम्हें उनके बड़े घर में खेलना बहुत पसंद है, मगर हम जब भी उनके यहाँ जाते हैं वो हमेशा बहुत तरह की मिठाइयाँ देती हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम बच्चे उसे ना खाओ, क्योंकि इतनी मिठाई तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है माँ, जेजी और जायरा बोले। जब उनका परिवार उस बड़े घर में पहुंचा, आंटी कैरिन हमेशा की तरह मेहरबान और दयालु थीं। आओ बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए ये खास बिस्किट बनाए हैं, मैंने कुछ टॉफियां भी बनाई हैं और बहुत कुछ है, आंटी कैरिन बोली। जल्द ही बहुत रूखे व्यवहार के साथ जेजी ने कहा, छी हमें इसमें से कुछ भी नहीं खाना, ये सब खराब है। हाँ मुझे भी इनमें से कोई मिठाई नहीं खानी है, आंटी कैरिन, जायरा बोली। आंटी कैरिन एकदम हैरान थी पर उदास भी हो गई, वह बहुत दुखी थी। मुझे माफ कर दो, वो बोली, मुझे लगा कि तुम बच्चों को ये अच्छा लगेगा, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी, मैं इन्हें ले जाती हूँ। एक मिनट रुकिए कैरिन जी, माँ ने कहा। बच्चों इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। जीवन में हमेशा याद रखो कि तुम जो भी बोलो उसे नम्रता, इज्जत और करुणा से बोलना चाहिए। मैंने तुम्हें मिठाई ना खाने को कहा था, पर ये बात विनम्रता से भी कही जा सकती थी। कैरिन जी की भावनाओं को चोट पहुंची है क्योंकि तुमने बहुत कठोरता से ये बात कही। वो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं और तुम्हें हमेशा खुश करना चाहती थीं। अगली बार तुम विनम्रता से नहीं जी शुक्रिया या फिर मैं बस एक ही लूंगा शुक्रिया कह सकते हो। हमें माफ कर दो आंटी कैरिन, जेजी और जायरा बोले। हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे और हम आपके विनम्र स्वभाव के शुक्रगुजार हैं, और इसलिए भी कि आप हमें अपने घर में खेलने देती हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम बच्चे तंदुरुस्त रहना चाहते हो, आंटी कैरिन बोली। अब भागो और अच्छे से खेलो। ये शुक्रिया माँ और आंटी कैरिन।